लोग जिनकी लालच से आपने फोड़ कर अंडा बना दिया है, ऐसे माँ बाप हजारों लाखों बहू बेटियों को जलाकर उनकी चिता और अपनी रोटी सीखना चाहते हैं, क्या तुम सब देख सकते हैं? अरे बोल अभी बोल, नहीं अभी कहा नहीं, मैं सब नहीं देख सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रवि बेटा ये कौन बेटा, किसका बेटा? आप लोगों के लिए तो सिर्फ पैसा ही बेटा है, पैसा ही भगवान है, इंसानियत को आप जैसे लोगों ने कंगित कर दिया है। आप जैसे लोगों को अपना माता पिता कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। अरे कोई माँ बाप अपनी औलाद को बेच सकते हैं? और एक आप हैं जो अपनी औलाद को बेच रहे हैं, जीते जी उसे मृत्यु दंड दे रहे हैं। तू गलत सोच रहा है, हम तेरे माँ बाप है, हम तुझे मृत्यु दंड कैसे दे सकते हैं? मृत्यु दंड नहीं तो और क्या है पापा, जीते जी मेरे लिए मौत की सजा। बाप के आने वाली बहू इसकी नजरों में मैं सिर्फ एक इंसान, एक मुस्लिम बनकर रह जाता। जिस प्रकार एक जानवर नरभक्षी हो जाता है, उसी तरह ये दहेज इंसान को दहेज भक्षी बना देता है। जितना दोगे उसे कम ही नजर आएगा। अरे तो भैया वो तो मैं हमारी मर्जी से दे रहा हूँ। मर्जी नहीं मजबूरी है आपकी, क्योंकि हर माता पिता अपनी औलाद को सुखी देखना चाहते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। आपने अपनी बेटी को एक फूल की तरह पाला, उसकी परवरिश की है, और आप चाहते हैं कि वो फूल जिसकी आपने 20 बरस तक एक कांटे का साया बनकर देखी, उसे ऐसे मालिक के सुपुर्द कर देंगे जो कुछ ही दिनों में मुर्दा जाए। तो सब तकदीर को खेल है, जो होना है वो होके रेसी। अरे आगे तो भगवान ही बची है, तकदीर बनाना इंसान के हाथ में होता है, और जो उस भगवान ने तो इस धरती पर सिर्फ इंसान को जन्म दिया था, दहेज को नहीं, इसे पैदा किया है आप जैसे लोगों ने, आप जैसे लोगों ने, और आप जैसे लोगों ने। रवि बेटा ये तुझे बेकार है, तू इसकी बातों में मत आ, ये तेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। बहन तो आप लोग गए माँ, जिंदगी तो आप लोग दांव पे लगा रहे हैं मेरी, अब आपका कर्तव्य भूल कर दहेज का जामा पहन लिया आप लोगों ने। आप अपने बेटे की शादी के नाम पर मौत का सामान ले रहे हैं, और ये अपनी बेटी की बर्बादी का सामान दे रहे हैं। आप लोगों को औलाद का नहीं सिर्फ और सिर्फ दहेज का मोरेज है। दम घुटने लगा मेरे इस घर में, मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो तू ये घर छोड़ के जाएगा, तू ये शादी नहीं करेगा, और हमने तुझ पर एहसान किया इसलिए कि तू तो हमें छोड़कर चला जाए। एहसान एहसान एहसान, अरे कान पक्के मेरे बातें सुन सुनकर। अब हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद का पैदा होने से लेकर बड़े होने तक के किए गए सारे एहसान के एक लिस्ट बनाकर तैयार रखे, और फिर बड़े होने पर ऐसे जैसे के हाथों में तुम उनसे अपना एहसान वसूल ले। वाह 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 वाह, मैंने अपनी लाइफ में आप जैसे लालची विचार वाले माँ बाप कभी नहीं देखे, जो अपनी औलाद का अपनी खून का ना करने में नहीं हिचकिचाते। नहीं यही तो ख्वाहिश रह गई थी ना कि आप सबके सामने मुझे जलील वो भी आपने पूरी कर, अब मैं इस घर में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूं मां। रवि बेटा तू हमें छोड़ के नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता मां, आप ही बता दो, जब एक औलाद गलती करेगी तो मां बाप उसे मारते उसे पीटते हैं, जब मां बाप ही गलती करे तो औलाद क्या करे? अरे रक्षा की मकसद बन जाए तो मजबूरी और लाचारी में फंसा हुआ इंसान क्या करे? इसलिए मेरे यहां से चले जाने ही अच्छा, मैं जा रहा हूं, हो सके तो मुझे माफ कर दे। तू जाना चाहता है तो जा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, लेकिन आज से यही समझना कि तेरा वो लालची और घटिया बाप मर चुका है। आप मेरे पिता हैं, एक आदर्श पिता बनकर दिखाना, आप मेरी माँ हैं, अपनी ममता का आंचल अपनी औलाद पर रखे जिससे मैं गर्व कर सकूं और गर्व से अपना सीना चौड़ा करके चल सकूं। और रही मेरी शादी की बात तो मैं उसी से करूंगा जिससे मैंने वादा किया है, वो भी बिना दहेज के, क्योंकि दहेज लेना और देना मेरी जिंदगी की किताब के पन्नों में नहीं है। मैं जा रहा हूं। नहीं रवि, तुम सबको छोड़ के नहीं जा सकता।
शादी कराऊंगी बिना दहेज के, वो को इस घर में लाऊंगी बिना दहेज के। गुल्लू बेटे, आज तुम्हें हमारी आंखों से लालच का चश्मा उतार कर फेंक दिया और ये साबित कर दिया कि औलाद ही इंसान की सबसे बड़ी दौलत है।